भाग पाँच विविध सामान्य ज्ञान लुसेंट बुक। इसमें आज हम कवर करेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य और कलाकार, भारत राज्यों के लोक नृत्य, सामाजिक स्थल, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन आज नहीं कहूँगा। आज केवल आपसे इतना कहूँगा कि इस लाइन को वीडियो देखते समय, ये जो लाइन है ना आपके सामने, इसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार इसको पढ़ लीजिए कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप एक बार इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना। वहाँ पर आपको जो ये प्लेलिस्ट मिलेगी लुसेंट जी के वीडियो की, उसको आप वॉच करना। लेकिन वॉच तभी करना जब आपके पास में ये बुक हो, ठीक है? अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मार्केट से जाकर परचेज कर लीजिए, बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर मार्केट आपके घर से 5-6 किलोमीटर दूर है या फिर 15-20 किलोमीटर दूर है मार्केट जहाँ पे ये बुक मिल सकती है, आपको डाउट है तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बिना बुक के आप इसको अगर स्टडी कर रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो शायद उसका रिजल्ट थोड़ा लेट आए, असर पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि सुनने से देखने से आपको कुछ भी नहीं आएगा, आपको आएगा। लेकिन अगर ये बुक आपके पास में होगी तो शायद आपकी पढ़ने की स्पीड, आपको याद करने की जो आपकी क्षमता है वो शायद बढ़ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें ना, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना। और मैंने अभी हाल फिलहाल 15 अगस्त में मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया था। फेसबुक ग्रुप नहीं, फिर फेसबुक चैनल है, ठीक है? तो आप उसको भी फेसबुक के साथ अपना आपको ऐड कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और आपके जो भी फेसबुक के ग्रुप फ्रेंड जितने भी हैं उन सबके साथ में इस चैनल के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप सक्षम हैं हमारे चैनल को डोनेट करने के लिए तो आप पेटीएम माध्यम से हमें डोनेट कर सकते हैं। पेटीएम नंबर मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस पेटीएम नंबर पे आप कॉल मत करिएगा, क्योंकि बहुत कॉल मेरे पास में पेटीएम नंबर से आ रही है। देखिए, आपका कंट्रीब्यूट एक्चुअली मेरे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होगा, आपका कंट्रीब्यूट उनके लिए होगा जो बच्चे सक्षम नहीं हैं। आपका कंट्रीब्यूट, जैसे आपने कुछ पेटीएम में कंट्रीब्यूट करा तो उससे क्या होगा, कोई एक बुक आती है मार्केट में, जो बुक अच्छी लगेगी वो मैं परचेज करके उसका एक पेज फाड़ के मैं बैक टू बैक खुद स्कैन करता हूँ। अब स्कैनिंग का भी कॉस्ट होता है, मंथली नेट का खर्चा भी आता है। ये आपका जियो का नेट नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है? मंथली जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है उसका खर्चा आता है, साउंड का ध्यान रखना पड़ता है, माइक परचेज करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर परचेज करनी पड़ती है। तो बहुत सारे बैकेंड में खर्चे इसके होते हैं जो लोगों को नज़र नहीं आते हैं। लोगों को नज़र आता है सिंपल सिंपल सरफ के सब्सक्राइबर बहुत बढ़ रहे हैं, और पेटीएम नंबर पर काफ़ी लोग कॉल करते हैं और काफ़ी मतलब परेशान कर रखा है इस नंबर पे कॉल कर करके बच्चों ने मुझको। तो उनसे निवेदन है, प्लीज़ टाइम पास करना बंद करें, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें अपनी, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये भी कहा कि सर आप जॉब करते हैं तो जॉब छोड़ के नहीं देते अपनी, आप काफ़ी पुण्य कमाएंगे। तो ऐसे बच्चे यहाँ तक बोल देते हैं। अब बताइए मैं उनसे क्या बहस करूँ, उनसे क्या समझाऊँ मैं उनको, जिनकी थिंकिंग ऐसी है कि आप हमारे लिए जॉब छोड़ दो। और वो स्टूडेंट शायद, मुझे लगता नहीं कि अपने सिलेक्शन के बाद भी मुझको बताएंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। पहली बात तो खैर मैं ऐसा सिलेक्शन नहीं लूँगा, जॉब छोड़ने से पहले मैं शायद चैनल को रिमूव कर दूँ, ठीक है? इतना समझदार मैं हूँ कम से कम कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मुझे अच्छे से पता है। तो चलिए ठीक है, बात बहुत अधिक हुई, फिलहाल शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। आज हम कवर करेंगे इसमें बहुत सारे टॉपिक। तो पहले हम बढ़ते हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोनाल मानसिंह का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से, याद रखना। किससे है इनका संबंध? इनका संबंध है भरतनाट्यम से। उसके बाद आपको जो अगला नाम याद रखना है वो रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कौन से नृत्य से है, ये कौन से कलाकार है, कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। तो ये रखते हैं कुचिपुड़ी से। उसके बाद में हम बात करते हैं उदय शंकर या फिर कृष्णा नायर, इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका संबंध है कथकली से,
लुच्छू महाराज का संबंध है कथक से। देखिए इतने सारे नाम तो याद करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये जो पूरी बुक में इतने सारे नाम दे रखे हैं आपके सामने, तो ये सब नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि केवल आपको जो जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। सोनल मानसिंह को आप अपनी बुक में अंडरलाइन करना, यामिनी को करना, उदय शंकर को करना, कृष्ण को करना और लुच्छू महाराज। इसी तरह से आप चाहें तो इसको पूरे पेन से कर सकते हैं हाईलाइट, कोई अगर आपके पास में हाईलाइटर है आप उससे कर लेना हाईलाइट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की। देखिए हेमा मालिनी जो हीरोइन थी, श्रीदेवी जो हीरोइन है, तो इन दोनों का संबंध या फिर रागिनी देवी या कल्याणी अम्मा, इनका संबंध कौन से नृत्य से है? तो इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से, मोहिनी अट्टम। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ पर है? वो है आपका केरल, कला मंडलम है। अब हम बात करते हैं भारत के सांस्कृतिक संस्थान और स्थापना वर्ष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। डायरेक्ट आपसे बोलेगा सांस्कृतिक संस्थान के नाम देगा आपको और उनका पूछेगा स्थापना वर्ष, ठीक है। इतना डीप क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हमको लगता है कि जैसे कि हम जीएस के कभी पेपर वगैरह देते हैं तो वहां पे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमको लगता है कि काफी डीप क्वेश्चन पूछा गया, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। ये लूसेंट बुक में है, लूसेंट बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज्यादा अच्छा है किसी एक किताब को 10 बार पढ़ लेना। अगर आप इस एक किताब को ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप देखना कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो कितना बढ़ जाएगा। फिर हम बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी, स्थापना वर्ष है 1953, और साहित्य अकादमी 1954, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई थी 1959 में। अब हम बात करते हैं कि राज्यों से संबंधित लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कजरी और झोरा का संबंध कौन से राज्य से है? या फिर आपसे बोलेगा कि कजरी और झूरा जो लोक नृत्य है कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है उत्तराखंड, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये दोनों ही कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। फिर बात करते हैं झागोर, झागोर का जो संबंध है ये जो लोक नृत्य है किसका है? ये है गोवा का। और कथकली, उट्टम, मोहिनीअट्टम ये सब जो है आपका मैक्सिमम कथकली और ओट्टम पूछता है, तो ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके केरल के। यक्षगान कर्नाटक का है, झूमर नृत्य है आपका राजस्थान का, भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का, और चाचरी और जैता है आपका उत्तर प्रदेश का। तो आपको इतने सारे नृत्यों में से केवल इतने ही याद करने हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि बिहू, बिहू का संबंध जो बिहू नृत्य है वो किस देश से, किस राज्य से संबंध रखता है? ये रखता है आपका असम से। यह वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। यह कचारी और कच्छारी जनजातियों में प्रचलित है। और रऊफ, रऊफ जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुजरात राज्य में गरबा होता है, गरबे के बारे में आपको पता होगा, गरबा गुजरात राज्य बहुत ही फेमस है ये। और अगला है आपका पांडवानी, पांडवानी यह छत्तीसगढ़ में प्रचलित एकल लोक नृत्य है। क्या है? एकल लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब में, तमाशा महाराष्ट्र में। और उसके बाद हम बात करते हैं रंगोली, जो ये कला है, एक्चुअली ये कला होती है रंगोली लोग बनाते हैं, कहते हैं उसकी आर्ट काफी अच्छी है। तो रंगोली का जो संबंध है महाराष्ट्र से है, साथिया गुजरात से, गोधना बिहार से, अहपन बिहार से, मांडड़ा राजस्थान से, चोकपूर्णा उत्तर प्रदेश से, और मेहंदी है राजस्थान से, ठीक है। तो केवल आपको इतना ही देखना है फिलहाल बुक में अपनी। अब हम बात करते हैं समाधि स्थल के बारे में। राजघाट जो समाधि स्थल है किससे संबंध रखती है? ये संबंध रखती है आपके महात्मा गांधी से। विजय घाट जो समाधि स्थल है वो है लाल बहादुर शास्त्री से। किसान घाट चौधरी चरण सिंह से। वीर भूमि राजीव गांधी। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। तो 14 में से केवल आपको ये 5 याद रखने हैं। और इस वीडियो को हो सके तो एक बार और वॉच करना। अब हम बात करते हैं सीमांत गांधी, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन देगा वहां पर, तो
उसमें आपको सही जो आंसर लगा के आना है वो लगा के आना है, खान अब्दुल गफ्फार खां को बोलते हैं सीमांत गांधी। आगे हम बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपिता और बापू, ये जो लोकप्रिय उपनाम है ये है महात्मा गांधी का। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहुबृद्ध पुरुष मतलब कि ओल्ड मैन पर्सन सबसे ज्यादा जो थे वो थे दादा भाई नरोजी। तो इनके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये इंपॉर्टेंट है। चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये पूरा नाम एक साथ ही आता है हमारे जो जवान पे, ठीक है। चाचा नेहरू हम बोलते हैं ना हमेशा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ चीजें आपको पहले से पता होंगी, उस पर अपना विश्वास रखिए। और बात करते हैं शेरे कश्मीर के बारे में, शेरे कश्मीर बोलते हैं शेख अब्दुल्ला को, देश बंधु और दीन बंधु, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देश बंधु चितरंजन दास, दास देश, ठीक है, दास से बना है देश। देश बंधु बोलेगा तो आपसे तो वो होगा चितरंजन दास, और बोलेगा दीन बंधु तो वो होंगे सी एफ एंड्रयूज, ठीक है। देश दास, देश बंधु चितरंजन दास, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे इसको। उड़न परी पीटी उषा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, गुरुदेव है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। निर्मल हृदय जो है वो है आपका मदर टेरेसा, ठीक है, याद रखना इसको। तोते हिंद अमीर खुसरो, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है, और भारत का मैक्यावली ये बोला जाता है चाणक्य को, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को। हॉकी का जादूगर बोला जाता है ध्यानचंद को, फ्यूरर बोला जाता है एडोल्फ हिटलर को, भारत का शेक्सपियर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये बोला जाता है महाकवि कालिदास को, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये याद रखना आप इसको। आप इसको हो सके तो हाईलाइट मत करना, इसको तुरंत आप याद कर लीजिए, ठीक है। और ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। अब हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान कौन कौन से हैं। कपिल वस्तु का जो संबंध है, ये जो स्थान है कपिल वस्तु, इसका संबंध है गौतम बुद्ध से, जेरूसलम का संबंध है ईसा मसीह से, ठीक है, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था इससे जो संबंधित व्यक्ति है वो है जनरल डायर, ठीक है। और उसके बाद आप चाहें तो ये याद कर सकते हैं कहाँ है आपका साबरमती, साबरमती ये रहा महात्मा गांधी, बस आपको इसमें इतना ही याद करना है। एक और देख लीजिए बस लास्ट और, ठीक है, बड़ा नहीं रहा आपके लिए मैं, नेपोलियन। वाटरलू का संबंध किससे है, ये स्थान संबंधित है नेपोलियन से, 30 में से केवल 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने करी थी, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी थी, खालसा पंथ की स्थापना करी थी गुरु गोविंद सिंह ने, और भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे विनोबा भावे, निर्मल हृदय के संस्थापक थे मदर टेरेसा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, पार्ट 5 यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और आपसे मैं अगेन कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अवर चैनल, आप पेटीएम के माध्यम से हमारे चैनल को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद।